कानून तो पहले से था, ये नया फाइन जो कम था फाइन को थोड़ा ज़्यादा कर दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ये सितंबर फर्स्ट वीक से तो ये लागू हुआ सारा देश में, हमारा राज्य में भी। अभी जो सर्टिफिकेट फर्टिफिकेट बनाने के लिए कुछ रिलैक्सेशन दे दिए थे माननीय मुख्यमंत्री ने, जो तीन महीने के लिए जो दिए थे रिलैक्सेशन, वो तो पूर्ण होने का बाद फिर जो जो फाइन जो जैसे भी जो उल्लंघन करेंगे तो उसको फिर फाइन पड़ेगा, उससे चलेगा आर शुरू होगा फिर। तो अभी तक कितना केस दर्ज हो गया और कितना लोग अप्लाई कर चुके हैं आपके? अप्लाई तो 28,000 समथिंग तो हो गया। LL तो लर्निंग लाइसेंस तो दे दिया, फिर ड्राइविंग लाइसेंस दे रहे हैं, ये तो चल रहे हैं। तो सब डिवीजन ब्लॉक कैंप सब ऑफिस खोलकर हम सब दे रहे हैं, LL दे रहे हैं, DL भी दे रहे हैं टेस्ट करके, ये चल रहे हैं काम, तो ये चलेगा। कितना केस दर्ज हुआ और करीब कितना पैसा भी वसूल हुआ? पैसा तो जो फाइन जो बढ़ा, जो फाइन के बाद में 1 करोड़ से ज़्यादा तो फाइन भी गवर्नमेंट को रेवेन्यू आया, जो जो फाइन जो लगा उससे तो लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा भी। ये तो इंश्योरेंस के लिए फाइन, ये तो अपना आपका हेलमेट नहीं पहनने का फाइन, ये जो दारू पीकर गाड़ी चलाने का तो फाइन, तो सेपरेट फाइन तो है, सब मिलाकर 1 करोड़ से ज़्यादा भी फाइन मिला जो अभी तक। पर अभी रिलैक्सेशन जब दिया गया तब भी देख रहे हैं कि काफ़ी लोग रॉन्ग साइड में भी आ रहे हैं, उसके बाद भी 15% कम हुआ? नहीं नहीं, अभी तो एक्सीडेंट तो रेट तो बहुत कम होगा, लगभग 15% से भी ज़्यादा एक्सीडेंट का ये तो कम ही हो गया इसका। हम तो सोच रहा हूँ, अब देखा भी रिपोर्ट में जो मिला जो था एक्सीडेंट का जो अब ज़्यादा था हमारा राज्यों में, वो तो कम हुआ अभी। सर लगभग 3 महीना 2.5 महीना तो हो गया, तो ये फिर नेक्स्ट टाइम कितना तारीख से चालू करेंगे, ऐसा कुछ डेट फिक्स है? नहीं, 3 महीने के बाद तो दिया लगा तो 3 महीने के लिए तो दिया थे माननीय मुख्यमंत्री ने, फिर शुरू होगा 3 महीने का बाद। दिसंबर से फिर चालू? हाँ, शुरू होगा दिसंबर से।